लागू लॉकडाउन में लोगों के काम बंद होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब ऑटो चालकों के मदद के लिए नव भारतीय शिव वाहतुक संगठन के महाराष्ट्र उपाध्यक्ष स्वप्निल स्वाडेडकर आगे आए और स्वप्निल के नेतृत्व में मास्क, स्कूल बैग, किताब, प्लास्टिक सीट का वितरण, रिक्शा चालकों को आशीष सैलार और हाजी अरफात शेख की उपस्थिति में मुंबई स्थित बांद्रा वेस्ट रेलवे स्टेशन पर वितरित किया गया। आशीष जी और हाजी भाई के आशीर्वाद से मैं आज, हाजी भाई ने मुझे महाराष्ट्र पे उपाध्यक्ष किया है, तो यही सोच लेके मैंने पहले सोचा कि रिक्शा वालों के लिए, जबकि जब कोरोना चल रहा था तो उनके ऊपर खाने के नुकसान सब हर चीज़ में उनको तकलीफ़ आ रही थी, तो हाजी भाई ने मुझे बोला कि हम रिक्शा वाले के लिए कुछ करते हैं, जैसे वो ट्रैवल लेके जाते हैं तो उनके लिए एक प्रोटेक्शन शील्ड होना चाहिए, जबकि कोरोना की हर चीज़ से उनको सुरक्षित होना चाहिए, और उनके बच्चों के लिए, जब पढ़ाई के लिए बच्चों के लिए बुक्स नहीं है, बैग नहीं है, तो हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट से उनके लिए फेस मास्क, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बैग्स, बुक्स सब दिखे, और हाजी भाई ने जैसे दिया उस मार्गदर्शन से ही मैंने काम किया और आगे भी चल के वैसे ही काम करूँगा। तो कितनी मदद मिल पाएगी रिक्शा वालों लोगों को, कितना जिस प्रकार से आज जिस प्रकार से आप ऑटो रिक्शा के लिए लोगों की मदद कर रहे, तो इससे पहले भी आपने कोई मदद की है कोरोना काल में? कोरोना काल में मैंने हर परिवार तक घर की सामग्री हो, गरीब परिवार तक मैं पहुँचा हूँ, मास्क दिया है, सैनिटाइज़र दिया है, सैनिटाइज़र स्टैंड दिए हर चौल के आसपास, जाके जब चौल के अंदर जाए तो अपने हाथ सैनिटाइज करके अंदर जाए, तो हर चीज़ से हर सुरक्षित कैसे रख पाऊँ हर चीज़ में मैंने उनकी मदद की, और वो सारी एसेंशियल गुड की सारी सामग्री मैंने हर गरीबों तक, ट्रांसपोर्टर तक, रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, हर जगह मैंने पहुँचाई है, और हाजी भाई के मार्गदर्शन के लिए मैं हमेशा यही ऐसा ही काम करूँगा। जब आप किसी की सेवा भाव से आप कोई कार्य करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं तो पार्टी कितना सपोर्ट करती है, जब आप उनके पास अपना ये कोई भी एक प्लान लेकर जाते हैं कि आपको किसी की सेवा के लिए कार्य करना है? ये पार्टी का सपोर्ट ही है कि आज हाजी भाई यहाँ पे थे, आशीष जी आए हैं, तो ये पार्टी ने सपोर्ट ही किया, ये पार्टी का मतलब पार्टी का ये मार्गदर्शन ही है कि ऐसे ही गरीबों की मदद करना, रिक्शा वालों की मदद करना। अभी हम लोग का ट्रांसपोर्ट यूनियन है तो हम रिक्शा वालों के पास, टैक्सी वालों के पास, ट्रक वालों के पास, टेम्पो वाले, हर जगह जाके हम लोग उनकी मदद करते हैं, पूरी समस्या में उनकी मदद की है, मैंने RTO में जाके उनकी मदद की है, हर चीज़ में फाइनेंसर से बात की है, हाजी भाई ने जैसे बताया कि हम फाइनेंस वालों के साथ बात करके उनका EMI, उनकी रिक्शा ना पकड़े, हर चीज़ में हमने उनकी मदद की और आगे भी ऐसे ही मदद करेंगे। आज यहाँ पर कितने ऑटो रिक्शा वाले मौजूद थे जिनमें आप ये डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं? गिनती तो याद नहीं, लेकिन कम से कम 300-500 लोग तो होंगे ही होंगे। आपकी तरफ से कोई लिस्ट बनाई गई थी? यस, हमारी मेंबर्स की लिस्ट है, हम लोग ने हमारे मेंबर्स के लिए ये सब किया है और आगे भी बाकी के लोग भी है उनके लिए भी किया है, और मेंबर्स तो और जुड़ेंगे, हम उनकी मदद के लिए और आगे बढ़ेंगे और हमेशा उनकी मदद करेंगे। यूनियन है महाराष्ट्र में, इसके 7.5 लाख से ज़्यादा मेंबर है, और जिस तरीके से देवन, ये तो मेहनत और ये तो स्ट्रगल हमारे रिक्शा वालों के नसीब में ही है, हम कई सालों से स्ट्रगल करते आ रहे, सरकार के तरफ से हमको कभी कोई मदद मिलती नहीं है, आज कितने 4 महीने से घर में बैठे हैं, रिक्शा वाला एक ऐसा व्यक्ति है, टैक्सी वाला एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने घर से बाहर निकलता तब उसका घर का चूल्हा जलता है, लेकिन सरकार ने उसके बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन कहीं पे भी ये सरकार, जबकि सरकार का नाम रखा गया 3 चाकी सरकार, हर वक्त कहा जाता 3 चाकी सरकार, लेकिन वो 3 चाकी सरकार और 3 चाके वालों का ध्यान उन्होंने कभी नहीं रखा, इसलिए माननीय आशीष शेलार जी हमारे साथ में, ऑल इंडिया के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन भी वसीम खान साहब भी हमारे साथ हाजिर है, तो हमारे फहीम और स्वप्निल ने कहा कि हाजी भाई हम लोग जो रिक्शा टैक्सी वालों के लिए एक अद्भुत तरीके से मदद करेंगे, एक जाके उन तक के उनके बच्चों के लिए स्कूल का बैग, किताबें, पेंसिल, रबर, ये सारी चीज़ तो देंगे, ये हमारा फ़र्ज और देना ही है, इसके अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं, कुछ नहीं, पर उनका ख़ास तौर पर उनको मास्क, सैनिटाइज के लिए हाथ में वो सैनिटाइज़र होना चाहिए, और पैसेंजर और रिक्शा वाला जब बैठेगा, कौन पैसेंजर कैसा बैठ सकता है उसको पता नहीं है, हो सकता है कई बार इनको रिक्शा वालों को हॉस्पिटल पैसेंजर को लेके जाना पड़ता, कोरोना के पेशेंट इनके वहाँ चढ़ जाते और हमारा रिक्शा वाला कभी ना नहीं बोलता, उनको उन तक हॉस्पिटल तक पहुँचाने का काम करता है, इसीलिए हमने बीच में पैसेंजर और ड्राइवर के बीच में एक पर्दा बनाया और पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों के अंदर दे रहे, खाली मुंबई के अंदर ये नहीं दिया जा रहा है, पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों में दिया जा रहा है, और ये पार्टी की तरफ से बिल्कुल
हर जगह पे अपने अपने इलाके के अंदर जो जो रिक्शा वाला है उनको ये दिया जा रहा है कि उनकी सेफ्टी, उनके परिवार की सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है और पैसेंजर की भी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ये पूरे महाराष्ट्र भर ये कार्यक्रम हमने शुरू किया है। सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब तो सरकार हमारी तरफ देखे, हम रिक्शा वाले टैक्सी वालों के ऊपर ध्यान दे, हमारे बच्चों पर ध्यान दे ये सरकार। लेकिन इंशाल्लाह ज़रूर वक्त पड़ा तो आज लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं, बस एक वक्त तक हम चुप रहेंगे। लेकिन पेट की जब बात आ गई तो हम चुप भी नहीं रहेंगे। मुंबई के अंदर वो महाराष्ट्र के अंदर उग्र आंदोलन करना पड़े तो भी हमारी लोगों की तैयारी रहेगी, क्योंकि जब हमारे बच्चों का फ्यूचर है, हम चाहते हैं, देवेंद्र फडणवीस साहब चाहते हैं कि रिक्शा वाला का बच्चा रिक्शा वाला नहीं बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, IAS बने, IPS बने, वो अपनी पढ़ाई करके आगे बढ़े। लेकिन अगर उन रिक्शा वालों के लिए अगर इस तरीके से अगर ये लोग ध्यान नहीं देंगे, आज इतनी मेहनत करने के बाद हमको पुलिस डंडा मार रहा है, आज इतनी मेहनत करने के बाद हमारे लोगों को फाइन पड़ रहा जा रहा है। हमने सरकार से मांग की कि जहाँ जहाँ हमारे रिक्शा वालों पे जो फाइन पड़ा हुआ है, लॉकडाउन के अंदर रिक्शा वाला जाके हॉस्पिटल में मदद कर रहा है और उसको फाइन मिल रहा है, तो इनाम में हमको शाबाशी मिलना चाहिए कि हमको फाइन मिल रहा है। हम कमा रहे 1000 रुपये और फाइन का 3000 रुपये भर रहे, हमारी गाड़ी पुलिस स्टेशनों में लॉक की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने जागना चाहिए। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने, जबकि ट्रांसपोर्ट मंत्री रिक्शा क्षेत्र से आए, उनको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जो रिक्शा यूनियन ने, जो रिक्शा वालों ने उनको आज मंत्री बनाया है, कम से कम उनका ख्याल करना चाहिए, उनकी हेल्प कर रहा है। देखिए, कोरोना काल में जो काम सरकार को करना चाहिए था वो सरकार ना करते हुए हमारे महाराष्ट्र के पूर्व CM माननीय देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में हमारी भाजपा की के परिवार के लोगों ने किया। और मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि जब हाजी अरफात शेख जैसे लीडर हमारे महाराष्ट्र में मौजूद हों तो मुझे नहीं लगता है कि हमारे परिवार का जो हिस्सा है ऑटो रिक्शा या टैक्सी वाले, उनको कोई दिक्कत हो सकती है। हाजी भाई के बारे में मैंने देखा पूरे लॉकडाउन में इन्होंने खुद ज़मीन पर उतर कर और हर अंतिम पायदान पर खड़े गरीब रिक्शा वाले हों या कोई भी हो, गरीब मजबूर मजदूर आदमियों की मदद की है। और आपने सुना होगा कि इसी मदद करते हुए इनको कोरोना भी हो गया था, लेकिन हज़ारों लाखों दुआएं हुई इनके लिए, हाथ उठे और आज ये हमारे बीच में फिर सुरक्षित आए हैं और आगे भी इसी तरह से लोगों की मदद करते रहेंगे। मैं स्वप्निल जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि जिस तरह से इन्होंने यहां के लोकल रिक्शा वालों की मदद की है, ये बहुत सराहनीय है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।